हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम कंप्यूटर का सेशन कर रहे थे हॉस्ट एंड मॉडर्न के लिए, जिसमें हम 30 नंबर से जो है क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पूरे में से पूरे नंबर का क्वेश्चन जो है कवर कराया जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के लगभग 40 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा चुका था, जिसमें पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर की जितने भी पीढ़ियाँ जो विकास हुए हैं, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास, कौन कौन से तकनीक, ठीक है, जिसमें पढ़े थे प्रथम जो पीढ़ी जो 1940 से 56 तक वैक्यूम ट्यूब का जो निर्माण हुआ था, ठीक है जी। इसके बाद 1956 से 63 में हम जो है इसमें जो है ट्रांजिस्टर सेमी कंडक्टर से बने हुए जो है कंप्यूटर के बारे में देखे। तीसरी पीढ़ी में 1964 से 71 लेकर इसमें आईसी जो सिलिकॉन से बने कंप्यूटर जो है तैयार किया गया। फिर चतुर्थ में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में जो है खास करके सेमीकंडक्टर और आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वगैरह प्रोसेसर वगैरह जो है चतुर्थ पीढ़ी में निर्माण हुआ था 1971। फिर पांचवा पीढ़ी में जो है आपका एआई का ज़माना आ चुका था, ठीक है, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यहाँ पे जो है हम पढ़े थे, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे देखेंगे 40 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन देखा कि निम्नलिखित कौन सा जो है डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट पीसी, वर्क स्टेशन, ये सभी। तो डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हो जाएगा? डेस्कटॉप भी हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट पीसी, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, वर्क स्टेशन, ये सभी जो है आपका जो है डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है जी। ये सभी को हम जो है पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर वहाँ जिसमें निम्नलिखित गुण संयुक्त होते हैं। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं जिसमें कौन से गुण संयुक्त होते हैं, मिले होते हैं जी? सुपर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, या सुपर और मिनी कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, या हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? तो ये आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ये हाइब्रिड कंप्यूटर वो है जिसमें जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के जो है गुण उसमें जो है संयुक्त होते हैं, मिले होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नोट डाउन करके भी आप लिख सकते हैं कि जो है हाइब्रिड जो कंप्यूटर है इसका उपयोग कौन से लोग करते हैं। खास करके उपयोग हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जो है वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें मुख्य रूप जिसमें आपका गणना रक्षा संबंधित जो इस क्षेत्र में जो है काम करने के लिए उपयोग करने के लिए इसके जो है गणना करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 41 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लेखन और संपादन, वर्ड प्रोसेसिंग में, वैज्ञानिक गणना करने के लिए, संगठन की सुरक्षा प्रणाली, ठीक है, संगठन की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, मतलब ये सभी जो है लेखन, संपादन, वर्ड प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक गणना, ठीक है, संगठन की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, सभी के लिए जो है सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग जो इसके लिए किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो इसमें। और डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, इसमें टैबलेट, स्मार्ट, पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी जो है खास करके सामान्य कंप्यूटर प्रयोजन के उदाहरण हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे विशेष प्रयोजन कंप्यूटर को उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो खास करके विशेष प्रयोजन, ठीक है, विशेष प्रायोगिक कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विमान में नेविगेशन सिस्टम के लिए, बी है मौसम पूर्वानुमान के लिए, उपग्रह प्रक्षेपण ट्रैकिंग करने के लिए, ये सभी के लिए, ठीक है। तो विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, जो विशेष जो कंप्यूटर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विमान में नेविगेशन सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है, मौसम के जानकारी के लिए, पूर्वानुमान के लिए जो है आज जो हम सैटेलाइट भेजे गए हैं, ठीक, इसी हिसाब से हम मौसम के जो है गणना कर पाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन पता चल जाए कि इतने टाइम में आज का मौसम यहाँ कैसा रहा, कैसा करके जो है हम मौसम पूर्वानुमान पहली जानकारी मिल जाती है। उपग्रह के प्रक्षेपण ट्रैकिंग करने के लिए जो है जो सैटेलाइट भेजा गया, उपग्रह भेजा गया है, ये कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ पे जो है निष्क्रिय हो गए है, ये सभी जो है पता करने के लिए जो है उपयोग किया गया, इसके लिए उपयोग किया जाता है, ये मतलब ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा जो कंप्यूटर अस्पतालों में ECG, ठीक है, तो निम्नलिखित कंप्यूटर अस्पतालों में ECG
और डायलिसिस जैसे कार्यों में उपयोग किया जाता है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या माइक्रो कंप्यूटर। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये कंप्यूटर अस्पतालों में ECG, डायलिसिस जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर ये उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। ये जो है एनालॉग और डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में जो है लाते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में इसका जो है सर्वाधिक उपयोग, मतलब चिकित्सा मतलब अस्पतालों में भी बताया कि जो है इसका उपयोग खास करके चिकित्सा क्षेत्र में अस्पतालों में, ठीक है, इलाज के दौरान ECG डायलिसिस वगैरह मशीन में इसका जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में जो है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर का उपयोग खास करके अंकों की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, और आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर ये खास करके कंप्यूटर को भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा वगैरह यहाँ पर जो है इसको मापने के लिए इसका जो उपयोग करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो स्पीडोमीटर, भूकंप वगैरह यहाँ पर जो है यंत्र को जो है, ठीक है, मापने के लिए इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी को याद रखें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आए हों, पिछले सेशन में मैं बताया था। ठीक, इसके दो पार्ट अपलोड हो गए हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। कंप्यूटर सर्वाधिक गति में चलती हुई सुपर कंप्यूटर, ठीक है, क्षमता और जो विस्तार भी होती है इसमें आकार और सामान्य कमरे के बराबर होता, मतलब कहने का मतलब आकार में भी जो बहुत बड़ा होता है, खर्चीला भी, इसको बनाने के लिए बहुत बजट भी चाहिए इसके लिए। ठीक, आकार भी इसका बहुत बड़ा होता है। ठीक, इसलिए खास करके ज़्यादा इसको डेवलप नहीं किया जाता। इसके जो सुपर कंप्यूटर को भी मुख्य रूप से मौसम के, ठीक है, भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन, ठीक है, और अंतरिक्ष यात्रा के लिए, खास करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो है वैज्ञानिक शोध वगैरह के लिए इसका जो उपयोग हम करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखता हूँ उदाहरण, यहाँ पे आपका क्रेवन हो गया, ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, इसको जो है 1976 में इसको जो है विकसित किया गया था। परम जो है भारत का जो है निर्मित प्रथम जो है सुपर कंप्यूटर था, जिसको 1991 में बनाया गया था। ठीक है, विजय भाटकर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि जो है ये प्रथम श्रेणी के नवीनतम मशीन है, जिसे 16 नवंबर 2020 को सीडेक के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। चौथा देखते हैं प्रत्युष, ये पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर जिसको IIT पुणे के द्वारा भारत में इसको जो है अनावरण किया गया है। ठीक है जी, और एक और है आपका फुगाबू, ठीक, जापान के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया है, कंप्यूटेशनल विज्ञान के लिए जो है, मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए इसको जो है उपयोग किया गया है। तो भारत के आपको याद रखना है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका क्रेवन है। परम ये भारत का जो है पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर? अभी बताया मैंने जो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, खास करके बताया मैंने जो है जिसके इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही महंगा होता है, सबसे तेज और सबसे बड़ा भी होता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, मेन फ्रेम, एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल जो घड़ी आजकल आप पहनते हैं, ठीक है, तो डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए इसको जो है तैयार किया रहता है, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर या जो माइक्रो प्रोसेसर में जो है ये आधारित प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें बड़े सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें प्रोसेसर पे आपका निर्भर होता है, जैसे आपका सेल फोन हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है, ये जो डिजिटल घड़ी वगैरह आते हैं ये सभी जो है एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या वर्क स्टेशन? अभी कुछ टाइम पहले बताया हूँ आपको, रिवाइज कीजिए एक बार, सुपर कंप्यूटर बताया था। ठीक है, तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो है ये कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए,
उनके दौरान जो है अंतरिक्ष यात्रा के लिए इनको जो है अंतरिक्ष यात्रियों के में जो है भेजने के लिए बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशाला में जो है शोध करने के लिए खोज करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनना है। चार ऑप्शन इसमें अलग कौन सा है विषम, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर सबसे अलग हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी बताया, इसके सभी अलग काम हैं डिजिटल कंप्यूटर के। ठीक है, जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सीरीज एक ही है। ठीक है जी, कंप्यूटर के प्रजाति बाकी डिजिटल कंप्यूटर ये सभी जो है अलग हो जाएगा इन तीनों से। ठीक, तो इसका जो है ये जो खास करके जो है बताया मैंने डिजिटल जो कंप्यूटर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग इसके 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, टावर मॉडल, नोटबुक, लैपटॉप या पर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण प्रकार कौन सा नहीं है, तो आपका हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर ये जो है पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं, बाकी टावर मॉडल, नोटबुक, लैपटॉप ये जो है पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है। डी ऑप्शन को छोड़ के, तो इसका डी ऑप्शन कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा जो कंप्यूटर आसानी से लाया जा सकता है, लैपटॉप को, सुपर कंप्यूटर को, पीसी को या मिनी कंप्यूटर को। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर जिसको आसानी से जो है ले जाया जा सकता है, या कहीं ट्रेवल के दौरान कहीं घूमने गए हैं, ठीक, कहीं भी जो है आपको उठा के लेके जा सकते हैं, तो आपका लैपटॉप होता है। ठीक है, तो लैपटॉप, ठीक है, जो आसानी से कहीं भी आप लेके घर में मतलब ट्रेवल के दौरान इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था, चुंबकीय ड्रम का, हार्ड डिस्क का, फ्लाफी का, ए और सी दोनों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ड्रम। चुंबकीय ड्रम को इसको जो है मैग्नेटिक ड्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो जो है प्रथम पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो 1940 से लेकर 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम वगैरह यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है जी, और ये खास करके इसमें सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता होती थी जी, और बहुत स्पीड वगैरह यहाँ पे जो है कम होती थी, नॉन पोर्टेबल था, इसीलिए खास करके जो है तो स्टोरेज डिवाइस के लिए जो इसमें चुंबकीय ड्रम या ये जो है मैग्नेटिक ड्रम का जो उपयोग यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को क्या कहते हैं, फील्ड, शब्द, फाइल या सूचना। तो उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को क्या बोलते हैं, तो ये जो कंप्यूटर भाषा में इसको फील्ड बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखिए, तो उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को फील्ड बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा पीढ़ी। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विकसित किया गया था। तीसरी पीढ़ी मतलब जो है 1964 से 1971, ये तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर आते हैं जिसमें आपका जो है आईसी लगे होते थे। ठीक है, सिलिकॉन से बने हुए इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं जिससे ये जो है बने होते थे, जिसमें आपका जो है कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें विकसित किया गया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, तो इसका आपका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा जो है प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर है, IBM 360, IBM 2700, IBM 1650 या IBM 1130। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, IBM 1650। ठीक है, ये जो है प्रथम पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो कंप्यूटर EBCDIC, ठीक है, EBCDIC नामक 8-बिट कोड का उपयोग करता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर करेक्ट आंसर है, जो इस कंप्यूटर में EBCDIC जो है नामक 8-बिट का कोड इसमें उपयोग करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होती है ये जो कंप्यूटर आकार में जो है और इसका कार्य क्षमता देखेंगे, कीमत में मिनी तथा जो है माइक्रो कंप्यूटर से अधिक जो है बड़ा है। ठीक है जी, जिसमें अधिकतर कंपनियों के में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने के लिए इसका जो है जो खास करके जो है सॉफ्ट वगैरह यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो इस क्षेत्र में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है
ये उपयोग करने के लिए, ठीक है। मतलब जो है कोई भी ट्रांजेक्शन करने, कोई शॉपिंग वगैरह आप करते हैं, तो ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है उपयोग, कस्टमर के जो है बिलिंग वगैरह काम करने के लिए यहाँ इसका उपयोग करते हैं। जैसे IBM 370, IBM 390, UNIX 1110, ये सभी इसके जो है एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के, ठीक है। तो खासकर बिजनेस लाइन में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं, ऑक्टल, दशमलव, बाइनरी या हेक्साडेसिमल। ये तो सही मतलब इजी आंसर है, बाइनरी डिजिट का उपयोग करते हैं। बाइनरी डिजिट किसको बोलते हैं, 0 से 1 को जो है इस संख्या को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, जिसको ए 0 और 1 से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो ये जो है बाइनरी नंबर का उपयोग करते हैं, जिसको 0 और 1 से जो है इसको जो है बाइनरी डिजिट बोलते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रख, कैसे लगा सेशन जरूर बताइएगा, और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है जी। थैंक यू।